तो कल की वीडियो में हमने देखा था अमृतसर का विश्वास, आज देखेंगे अमृतसर की दोस्ती। जी वापस से ठंड और मेरे और भगवान के बीच के एक बहुत ही बड़े, आज का एपिसोड बहुत बड़ा था इमोशनल, तो बहुत सारी बातों के बाद लाइट फील हो रहा है दोनों ही सेंसेस में, मतलब लाइट भी हल्का भी और रोशन भी। अब चलते हैं जलियांवाला बाग। इस शहर की दोस्ती भारत के इतिहास के साथ भी रही है। मैं पहुंचा जलियांवाला बाग, जहां पर आज से 103 साल पहले जनरल ओडवेयर ने बस गोलियां चला दी। बैसाखी के उस दिन 1500 से ज्यादा भारतीय मारे गए। ये वॉर मेमोरियल उन्हीं लोगों की निशानी है। रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे उन निहत्ते लोगों पर जो गोलियां चली, उसके निशान हमारे दिलों में और यहाँ की दीवारों में अभी भी जिंदा है। अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग भागे, 120 से ज्यादा लाशें निकली इस कुएं से, पर कि पैसे मत फेंको, कोई विशिंग वेल नहीं है ये, तो पर फिर भी लोगों ने पैसे वैसे फेंके हुए। यार ऐसे मत करो यार। तो यार इंडियन हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए, जलियांवाला बाग, मतलब हर स्टेट का अपना अपना कोई ना कोई हिस्ट्री रहा है। उन्हीं हिस्ट्री की वजह से, उन्हीं इवेंट्स के वजह से आज हम है जो भी है। मैं उन सभी शहीदों का दिल से नमन करता हूँ। और यहाँ से मैं पहुंचा महाराजा रंजीत सिंह के स्टैचू, शेरे पंजाब। आज की पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों को उनकी कहानियां जरूर सुनाएंगी। अमृतसर में भारत के पुराने और नए सभी इतिहास का लेखा जोखा मिल जाता है। और जब बात हो दोस्ती की, तो मुझे मिल गया एक नया दोस्त। घर वापस जाने के लिए मुझे सवारी मिल गई पिंका भाई की। इनकी बड़ी बेटी का नाम आया था, पंडित ने बताया एच से, एच। अब ये सोच रहे थे नाम ऐसा रखना जो कोई ले ही ना पाए, और इन्होंने नाम रखा हेजल। हेजल पंजाबी सुबह। और सुबह की शुरुआत और दोस्ती की शुरुआत होती है चाय से। पिंका भाई मुझे लेके गए ज्ञानी टी स्टॉल, जो कि था अमृतसर का एक फेमस स्पॉट, जहाँ पर सुबह सुबह पूरा अमृतसर चाय पीने आता है। आप पियोगे? चलो स्टार्ट करते हैं इसे। इतनी ज्यादा भीड़ है कि मुझे कचौरी खाने के लिए वापस अपने रिक्शे में आना पड़ा है। और ये पता कैसी है? ये मक्खन कचौरी है, क्रंची नहीं है ये, देखो पिघल गई। तो ये वाला स्वाद मैंने पहली बार देखा कि कचौरी के साथ मूली और हरी चटनी दी हुई है। बस साइड बाय साइड मैंने ली हुई है मेरी चाय। बहुत ही भीड़ में से जंग जीत के दो कचौरी पैक करा के अब चलते हैं घर। जी मिलते हैं फिर से, ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखना। पहुंच गए घर वापस सुकून में। गुड मॉर्निंग जी। अंधेरे से रोशनी तक। अब दोबारा से नहा धोके वाघा बॉर्डर के लिए तैयार होते हैं। अमृतसर में आज की सुबह की शुरुआत थी मेरे और भगवान की दोस्ती से, फिर अमृतसर और इतिहास, फिर मिले पिंका भाई और चाय। अब जाना है एक ऐसे दोस्त से मिलने जो कुछ सालों पहले बस एक लाइन की वजह से हमसे दूर हो गया, और वो लकीरें इतनी ज़्यादा दूर हो गई कि बस हम उसे दूर से ही देख सकते हैं। अभी अपन लोग जा रहे हैं वाघा बॉर्डर, जो कि मतलब अटारी बॉर्डर जा रहे हैं। वहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है, जहाँ पर डेली परेड होती है। मैंने तो वो पहले कभी नहीं देखी है, दीक्षा ने भी नहीं देखी है, मम्मी ने देखी है पर बता नहीं रही है। आपने कोई फोटो नहीं बनाई ना उस टाइम की? मम्मी ने आजादी से पहले देखी थी वो। सफर में हंसी मजाक की दोस्ती, सड़क और मुसाफिर की दोस्ती, वैसे ही है मेरी और खाने की दोस्ती। इसीलिए जाने से पहले हम लोग रुके हैं शाबा ढाबे पे। मम्मी बताओ यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आएगा फोन यूज करते करते खाओ। मम्मी का खाना आ गया, आलू गोभी दाल तड़का तंदूरी रोटी। यही सड़क जो कभी एक हुआ करती थी, अब दो हिस्सों में है। मुझे याद आया वो टाइम। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. रैटक्लिफ ने 75 साल पहले एक नक्शे पर बस लकीर खींच के एक ही जमीन के दो हिस्से कर दिए, एक बना हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। लाखों लोग इधर से उधर बेघर हो गए। वो लकीर इतनी गहरी और मजबूत थी कि आज तक उसे मिटाया नहीं जा सका। वो लकीर बस एक नक्शे पर नहीं थी, वो लकीर थी दो लोगों के दिलों में, दो भाइयों के बीच में। मतलब बंटवारे के उस दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सका, और जो उस पार गया वो कभी गले लगाया नहीं जा सका। और सड़क पार से दिखाई दे रहे थे दोनों ही देशों के झंडे, जो एक ही हवा से लहरा रहे हैं, पर है बहुत दूर। 25 रुपए की पार्किंग देके बस जा रहे हैं। अगर वेले कराना हो तो 100 रुपए, और वेले के हम खुद वेले थे आज तो। मेरा
अपनी पहचान को हाथों में छपवाने का मजा ही अलग था। अब चलते हैं अंदर। वाघा के लिए तैयार। वाघा बॉर्डर पहुंच गए हैं और अब राजेंद्र भाई जो हमारे ड्राइवर साहब है ना, इनके साथ हम जा रहे हैं अंदर। वीआईपी एंट्री हो गई है, पापा डिफेंस में है। ये हमारे दो देशभक्त आ रहे हैं बस पीछे से, बट मेरा और दीक्षा का फर्स्ट टाइम है तो हम अलग ही एक्साइटेड है। आओ तो सही लेकिन ये मत करो यार। मम्मी कहीं खो गई है। अच्छा और एंट्री यहाँ पे 3:30 बंद हो जाती है ना, तो भीड़ जा रही है भाई। मैंने देखा भारत के तिरंगे को लहराते हुए शान से, क्योंकि उसके देश के बच्चे और बड़े सब उसका हौसला बढ़ाने आए हैं, चीयर करने आए हैं। गेट पे ही ना, ये अटारी बॉर्डर के गेट पे ही आपको डरा दिया है कि अंदर कुछ खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, और अंदर सब मिलता है। स्पोर्ट्स में कई बार अपनी टीम को चीयर किया है, आज तिरंगों के बीच घिरा हुआ अपने देश और उसके फौजियों को चीयर करने आया हूँ, और पड़ोसियों को देखने अपनी माँ और अपनी वाइफ के साथ। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आप ना कोई ऐसी जगह सोचो कि आपके देश के या जो भी मतलब आपके लोग हैं वो कहीं जा रहे हैं झंडे लेके, एक्साइटेड होके जा रहे हैं, व्हील चेयर पे कुछ भी हो रखा है पर जा रहे हैं, मतलब वाइब ही अलग है यार। सब लोग जा रहे हैं जस्ट टू रिप्रेजेंट एंड चीयर फॉर देयर नेशन। आज की तो फीलिंग ही है। मैं सोच रहा हूँ कभी ये सड़क सीधी जाती थी, आज रुक गई है। बस हम इस पार और उस देश के लोग उस पर मैंने ये देखा कि ये हम सब एक हैं। कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं। शाम होते होते मैदान भरने लगा था, हमारे लोग यहाँ और वहां के हमारे लोग वहां बैठ चुके थे अपने देश और अपनी आर्मी को सपोर्ट करने। भीड़ में पता लगा पाना मुश्किल है कि कौन हिंदुस्तानी है कौन पाकिस्तानी है। खैर है तो एक ही मिट्टी के। आपने तिरंगे में लिपटा फौजी देखा होगा, पर मैं चाहता हूं कि हर फौजी अपने घर जब आए तो ऐसे तिरंगे में लिपट कर आए, खुश हंस के जोश में। बस जब इस ऑफिसर ने हमें उकसाया तो बस हम शुरू हो गए। अभी उन्होंने बोला है कि जितने भी फीमेल लोग हैं, जितनी भी लेडीज हैं जिन्हें नाचना है वो नीचे आ सकते हैं। रेडक्लिफ की उस लाइन की वजह से दोनों ही देश के लोग अपनी अपनी आजादी का जश्न मना रहे हैं, पर कोई उनके ऊपर से उड़ के चला गया अपनी आजादी दिखाता हुआ इधर से उधर। बस कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। जो लोग कभी खिड़कियों से झांका करते थे एक दूसरे के घर में, आज उनके दरवाजे खुलते देखे, बहुत ही अलग फीलिंग थी यार ये। ये गर्मजोशी वाला माहौल एकदम शांत हो गया जब दोनों ही देश के लोग खड़े हो गए अपने अपने झंडे के सम्मान में और झंडों को उतारा गया। बहुत ही अलग फीलिंग थी, पता नहीं क्यों बस ऐसा लग रहा था कि मानो वो हम कर रहे हैं, या बस ऐसे ही खुशी थी, प्राउड था और एक जज्बा था दोनों तरफ। आई होप ये हमेशा बना रहे। और जो उसके बाद हुआ मैं चाहता हूँ वो फौजी नहीं वो हम भी करें, खुले दिल से हाथ मिलाए और सब भूल जाए, एक नई शुरुआत को अंजाम दे, क्योंकि ये दरवाजे तो हर शाम की तरह आज फिर बंद हो गए।
पर हमें अपने दिल के दरवाजे खोलने चाहिए दोनों तरफ। खैर उसके बाद मैंने शुक्रिया अदा किया बीएसएफ के जवानों का और पहुंच गया घर। मैंने मंगाए थे कढ़ी चावल, रामा चावल गैंग। चलो यार अभी खाना खाते हैं, कल सुबह हमें जाना है बहुत दूर। बहुत दूर क्योंकि रास्ता तो बस कुछ किलोमीटर्स का है पर फासला 75 सालों का है। जैसा कि आज दिखाई थी आपको अमृतसर की दोस्ती, तो कल ऐसे एक पुराने दोस्त से मिलने जाना है। कल हम जा रहे हैं पाकिस्तान। आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना। आज की वीडियो बनाते हुए मुझे प्राउड हुआ था अपनी आर्मी पे और खुद के इंडियन होने पे। अमृतसर के इस शहर ने मुझे आज सिखाया कि भूलने में ही भलाई है, तो आज अगर हो पाए तो किसी को मन से माफ कर देना बस, क्योंकि ना